आप सभी को, कैसे आप सब लोग? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आज मेरे चैलेंज का शायद तीसरा या चौथा दिन है, हाँ मुझे अच्छे से याद नहीं है, शायद चौथा दिन है। और आज इनका व्रत है, हम दो ही हैं और व्रत में फिर मैं क्या अकेला अकेले बनाती। मैंने सोचा जब भूख लगेगी तब बना लूंगी मैं। फिलहाल सुबह सुबह हमने ग्रीन टी पी, ग्रीन टी के बाद इनके लिए मैं बना रही हूँ कॉफ़ी, और साथ में मैं अपने लिए कल छोटे वाले दो पैकेट केलॉग्स लेके आई थी, तो मैं वो खाऊंगी दूध के साथ और इनके लिए कॉफ़ी ले जाऊंगी। ये मेरा नाश्ता और ये इनकी कॉफ़ी। थैंक यू। अब मैं भी अपने केलॉग्स खाती हूँ। फिर आज मैं बहुत टाइम बाद सोच रही हूँ कि कुछ जो मेरी क्या बोलते हैं पुरानी हॉबी है, मीन जो मुझे पसंद है, वो मैं कर लूँ। तो देखो क्या होता है, अगर अच्छा बन गया तो मैं आपको भी दिखाऊंगी, अगर नहीं बना तो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगी। पहले भी मैंने आपको अपनी नाकाम कोशिशें दिखाई हैं और अब भी दिखाऊंगी। फिलहाल मैं केलॉग्स इंजॉय करती हूँ। ओह शिट, मैंने गरम में डाला, ये तो खिचड़ी जैसी होगी। तो इससे पहले कि जल्दी और पूरी खिचड़ी बन जाए, मैं इसको खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। सुबह से रुक रुक के मैंने काम करते 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 मैंने अपने जो चित्रकला है उसको पूरा कर लिया है। जल सागर करे पराजय क्रंदन, त्रिकाल निरंतर लोक वंदन, महाबली महारुद्रा महाबच्चा शौर्यवान वीर हनुमान। ये है, कैसी लगी बताना? थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट अच्छी बनाई है मैंने। जय बजरंगबली। आपको कैसी लगी आप भी बताना मुझे, ठीक है? लोगों के कपड़े सुबह सुबह धुलते हैं और मेरे कपड़े अभी धुल रहे हैं, और वैसे अच्छा भी आजकल रात को ही धोने चाहिए, क्योंकि आज तो इतनी ज़्यादा धूप थी ना यहाँ। मैंने करीबन 12 बजे यहाँ का टेम्परेचर चेक किया तो टेम्परेचर था 34 डिग्री, तो फिर दिन में 1-2 बजे तो और भी ज़्यादा हुआ होगा। अब रात को रेलिंग में डाल दूंगी, कल सुबह तक सूख जाएंगे, इससे मेरे कपड़ों का कलर भी नहीं उड़ेगा। आज भी दिन में नहीं सोई थी मैं, तो आज भी नींद आ रही है। आजकल तो वैसे भी सो के भी नींद ही आ रही है, पता नहीं मुझे 1-2 हफ्ते से क्या हो रहा है, शाम होती ही ऐसी नींद आ रही है जैसे मैं कितने दिनों से नहीं सोई हूँ। अगर आपको आज की बजरंग बली की जो चित्रकला मैंने की थी वो आपको पसंद आई, तो मेरे लिए नहीं बजरंग बली के लिए एक लाइक ठोक देना, और पसंद आए तो कमेंट भी कर देना ताकि मैं और भी बनाऊं। इसी के साथ आज के मैं अपने शब्दों में यहीं पे विराम लगाती हूँ। मिलूंगी जल्दी अगले ब्लॉग में। बाय।